आके मिलो वो, यानी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से आती है, 2 बजे आएगी। हाँ वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आएगी, तो उसको उसको काम सिखाना ना। झूठ बोल रहे हो, तुमने क्यों काम सिखाना उसको? ड्यूटी पे यार मुझे क्यों ड्यूटी हुई है? अपने अब्बा तेरे की टाइमिंग है नहीं, अब्बा किसी को नहीं कुछ सिखाते, समझ आई? बताया वो एजेड है, दूसरा वाला उसकी उम्र है, कितनी उम्र है? बुड्ढे ऐसे लाठी पकड़ के आता है, अल्लाह के नाम पे बेटा काम कर दो मेरा, ये वाला ऐसे बोलता है। तुमने कहा मैं सिखाता हूँ काम, मेरा काम है तुम्हारा काम वो नहीं है। तुमने कहा मैंने कहा कि मुझे दे दो एक लड़की है, यही बात की ना? तुम मुकरते कैसे हो? मैंने स्टाफ मांगा था। स्टाफ क्या मांगा था? क्यों तुम्हें क्यों चाहिए स्टाफ? और शाम का तो मैंने अपनी नींद की वजह से कराया। अभी तुमने मुझे कहा मैंने इसलिए करवाया है, तुम हाथ पीछे करो अपना, मेरा भी तुम मेरा भी क्यों लड़ी जा रही है? तो मैं लड़ूंगी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। गूगल तुम लेट क्यों आ रहे हो? पहले इधर इधर आ जाओ, खुद ही ऑफिस में, खुद ही आ जाओ ऑफिस। यू जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप, You also shut up. बस तुम भी shut up. चलो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ उठ के। मछली वाली बात नहीं है मेरे पास, मेरे पास टाइम नहीं है। मछली वाली बात नहीं है, मछली वाली बात तो है कोई नहीं यार। अपनी पत्र तरफ से ना कागरों पर लड़कियों के मामले में बिला वजह मेरे पर शक करती है। मछलियाँ खुद खा के आ रहे हैं, मछलियाँ खा के आ रहे हैं और कह रहे हैं मछली वाली बात ना करो। अरे लेट क्यों आते हो? क्यों आते हो? तुमने मुझे कहा वहाँ मैं अकेला बैठता हूँ, है ना? ऐसे ही भाई शाम तक वो बैठे होते हैं, काम करना पड़ता है। कौन सा काम? शाम कौन सा काम? तुमने क्या सिखाना मुझे ये बता दो बस। मेरी बात सुन, बको बको। 8 घंटे पूरे करने होते हैं। कौन से 8 घंटे पूरे करने होते हैं? यानी कि मैं जाता हूँ अगर शाम में 1-2 बजे। 2 बजे तुम जाते हो, 5 बजे तुम्हारी छुट्टी है, तो तुम 5:30 बजे क्या करते हो? 8 बजे तक ड्यूटी पूरी करनी होती है। 8 बजे तक ड्यूटी पूरी करनी, छोड़ दे दफा कर अपने गेमिंग वीडियो बनाओ। तुम अपनी बकवास, ऑफिस जा रहा हूं, पागल है तू? तुम क्या, तुमने क्या सिखाना उसको? किसको क्या सिखाना है? किसको क्या सिखाना है? ऑफिस में अपना काम करना, बच्चों करना जाते हैं। तुमने वो दूसरा आदमी एज में है तो वो नहीं सिखा सकता यार उसको? तुमने उसे क्या सिखाना? मोबाइल फोन सिखाना? उसकी एज की बात नहीं है तो तुमने भी यही बात की। वो बुजुर्ग बंदा है, उसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। तुमने कहा मैंने शाम की ड्यूटी इसलिए करवाइए, तुमने यही वो कहा ना? पहले अपने थोड़ा क्या क्या उसकी एज हो गई है। अच्छा तुमने कहा मैंने शाम की ड्यूटी करवाई है, हाँ ऐसा ही है ना? क्यों नींद भी पूरी हो जाता है? इसलिए करवाई है मैंने, इंटर्नशिप पे लड़की आई है कोई? वो इंटर्नशिप पे तो बाद में आई है। तुम बकवास करते रहते हो, अगर आप भी गई तो तुम क्यों सिखा रहे हो? शाम की ड्यूटी बात खत्म हो गई, खत्म कर दो बात। तुम मैं कह रहा हूँ बात को खत्म कर दो, तुम अपनी बात खत्म करो। मैंने बिला वजह तूने मेरे से एक्टिंग किया, बात को खत्म करो। बिला वजह? हाँ बात को खत्म करो, मैंने तो नॉर्मल सी बात की थी। मुझे एक बात समझ लग रही है, कौन सी बात है? यह है कौन? दो औरतें हैं यार, मैंने शाम में शिफ्ट, एक मछली वाली जिसका शाम मछली खा के आया था, एक दूसरी शाम में ड्यूटी लगवाई है। एक सुबह वाली, एक शाम वाली, मछली के साथ खा के आया सुबह वाली थी। जाके तुम कैमरा बंद करके उसकी स्टोरी फुल हो जाएगी। सुल्तान अब्दुलरहमान मुझे कुछ चीज देना जरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब्दुलरहमान यार क्या मसला है तुम्हारा? क्या मसला है? और पहन मेरा मोबाइल छोड़ दे तेरी मेहरबानी, पहले इसे तोड़ के स्क्रीन डाल। अल्लाह मुझे कुछ चीज ला के दे, गेमिंग वीडियो पे और बाबा को बुलाओ गेमिंग वीडियो। मैंने कॉल किया, बाप भी कॉल करो उसको। चलो सेटअप तो लगाएं। लगा हुआ सेटअप? नहीं वो सामान वगैरह। मोबाइल है किधर? गेमिंग वीडियो कौन सी ली थी? मोबाइल है किधर? किसके पास मोबाइल है जिससे वीडियो बनाने के लिए? वो जी के पास तो है। किसके पास है मोबाइल? अच्छा वो बोला बाबू के पास ही होगा। अपने पास रखा करो यार आप। ओ भाई ना उतार ना, उतार ही अपना निकाह ठीक कर। वो आ रहा है बस, वो पहुंचने वाला है। निकाह ठीक करो अपना, तुमसे मतलब है? इतनी देर लगा देगी फिर तू, घंटा पहले उसने यार नेट ऑफ है उसका, उसको सिम पे कॉल कर लो आप। कि कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती जिस तरह हमारा ऑफिस की टाइमिंग है। ये जो मछली वाली थी शाम वाली है, ये आपके साथ तो नहीं है? नहीं जिस तरह मछली खाने गए थे। नहीं वो तो ऑफिस की वही थी ना, उन्होंने वैसी दावत दी थी सब कोई, सबको इधर दो बंदे थे, आप सबको किधर? हम दो ही बंदे हैं ऑफिस में, अपने स्टाफ में इसको पता हमारे काम में। तुझे क्या हो गया? मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तुम क्या बकवास करते रहते हो? तुम मुझे क्यों तंग करते? मैंने कहा क्या? क्या कह रहे? उससे पूछ क्या कह रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है? वो जो भी मुंह उठा के कहेगा तू मेरे से पूछेगा? तू उससे तुमने कहा था दो ही बंदे थे, तुम आगे से उसको जवाब देते हो। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारा मुंह छील दूंगी पूरा। किसको जवाब देता हूं? इधर आओ अपना मुंह दिखाओ मुझे। किसको जवाब दिया मैंने? इधर आओ, मैं तुम्हारा मुंह इस काबिल ही रहेगा देखे तुम्हें। इधर आओ, इधर आओ। मैंने जवाब किसको दिया? पहले बता, पहले बात क्लियर कर, हुई क्या? पहले बात क्लियर कर ले, हुई क्या? फिर कोई बात कर लेंगे। बात क्या हुई है? मछली वाली बात। कौन सी मछली वाली बात?
ऑफिस के अंदर मेरी बात सुन, दोपहर के खाने में अगर इकट्ठे बैठ के खाना खा लें कोलीग वगैरह तो उसमें क्या है? इकट्ठे बैठ के नहीं बाहर खाया, मुझे कैसे पता लगा? झूठ बोल रहा है वो। झूठ तो नहीं वो बोलता, यकीन कर झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, गणेश नहीं कह रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। गणेश होगा, अल्लाह जानता है झूठ बोल रहा है। अभी तुमने मुझे एक बात की कि मैंने टाइम शाम का इसलिए करवाया, तुमने ही बकाया ना। शाम का तो मैंने अपनी नींद की वजह से कराया। झूठ ना बोलो, अभी तुमने मुझे कहा मैंने इसलिए करवाया है। तुम हाथ पीछे करो अपना, हाथ पीछे करो, पीछे ना कर, दूर हो जा तू यहाँ से। दूर हूँ मैं, दूर हो जाऊँ है ना, मैं दूर हो जाऊँ अभी ना। मेरा क्या अभी वीडियो के मूड ना खराब कर, मेरा भी तो मूड ना खराब कर। लड़ी जा रही है तो मैं लड़ूंगी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। तुम्हारा क्या काम है सिखाने वाला? गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कब से हो गया? शर्म तो नहीं आती ना? देखो यहाँ से चलो, मुझे वीडियो जाओ। नौकर नहीं हूँ मैं आपकी, नौकर ही है, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी, आप मेरे नौकर हो गए। मैंने यार कोई, यकीन करो कोई बात नहीं की, मुझे अच्छी लगी उसके साथ प्रैंक कर रहे थे, तू बिला वजह मेरे ऊपर एक्टिंग होने शुरू कर दी। तुमने ही एक्टिंग की है ये वाली, समझ आई यार? तुमने स्टार्ट किया ये एक्टिंग, मैंने नहीं की। उस टाइम आपस में बातें करने के लिए मैंने बात छेड़ दी। करने के लिए बात क्यों छेड़ी तुमने? तू गलत, तू लेट क्यों आ रहे हो? पहले इधर इधर आ जाओ, खुद ऑफिस में, खुद ही आ जाओ। ऑफिस ऑफिस जाना छोड़ दो, तुम लेट क्यों आते हो? ऑफिस जाना छोड़ दो, तुम लेट क्यों आते हो? 5 बजे की छुट्टी होती है, नहीं 8 बजे के बाद एक्स्ट्रा टाइम जब तक बैठे होते हैं ऑफिसर्स बैठना पड़ता क्यों? उनका स्टाफ है हम इसलिए। अच्छा और क्या होता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर 24 घंटे का मुलाजिम होता है। अपने अब्बा से पूछना तो मैं वो बताएंगे। तुम 24 घंटे फिर मैं ही रहा करो ना, 24 घंटे 24 घंटे से मुराद के अल्लाह ना करे कभी मुल्क में कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कुछ भी इस तरह का मामला हो जाए। तुम क्यों सिखा रहे हो? चौबीस घंटे मछली वाली क्या बात कर रहा है? झूठ बोल रहा अपने पास से। तुम क्यों सिखा रहे हो? तुम क्या हो? मैं नहीं सिखा रहा, वो इंटर्नशिप करने आते हैं। तुमने कहा मैं सिखाता हूँ काम, क्योंकि मेरा काम है। तुम्हारा काम वो नहीं है। तुमने कहा, मैंने कहा कि मुझे दे दो एक लड़की है, यही बात किया। तुम मुकरते कैसे हो? मैंने स्टाफ मांगा था। स्टाफ क्या मांगा था? क्यों तुम्हें क्यों चाहिए स्टाफ? अच्छा वैसे सुल्तान भाई मेरा हमारे बेचारे को क्या आपका ऐसा काम है बता दो? आपका काम है लिख लिख के आपने उनको सिखाना है। ऑफिस वर्क कैसे होता? ऑफिस भी कैसे होता? शक्ल है आपकी ऑफिस वर्क वाली, आपको खुद नहीं आता तो आपने क्या सिखाना उसको? आता आपको तो फिर? मुझे कुछ भी नहीं आता ना, मैंने उसको सिखाना है बस। तुम सच बोल रहे हो या नहीं? सच बोल रहे हो? मैंने मेरे से गलती हो गई। सच बोलोगे या मेरे से गलती हो गई ना? मैं कह तो रहा हूँ क्या कि मेरे मुंह से निकल गया। उस टाइम तो वैसी बात बनाने के लिए मैंने कह दिया। झूठ बोल रहे? क्या चीज नहीं, ये बात तो सच है। इंटर्नशिप करने जिस तरह बच्चे आते हैं तकरीबन हर तकरीबन 3-4 पता नहीं 6 महीने लगाते हैं या 3 महीने लगाते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। प्रैंक नहीं भी होता ना, तुम फिजूल बातें करते हो। क्या मैंने फिजूल बात क्या की है? तुमने की है। मैंने क्या कहा है? कि मैंने शाम की ड्यूटी उसकी वजह से कराई है। तुमने यही बोला? अच्छा मैंने बोला है हाँ। मैं क्यों मुकर रहा हूँ? क्यों बोला? तुम्हें पता है वो एजिड है, दूसरा वाला उसकी उम्र है। कितनी उम्र है? गुड्डा ऐसे लाठी पकड़ के आता है अल्लाह के नाम पे बेटा काम कर दो मेरा ये वाला, ऐसे बोलता है वो। यार उसके साथ नहीं, उन्होंने देखा मैं, मैंने उनको भी बिल्कुल यंग है वो। उन्होंने कहा कि उसके तुमसे ज्यादा ही यंग है। उसके साथ ड्यूटी उसकी नहीं बनती, ठीक है? उसने कोई बात ही बार बार क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात, तूने मेरे से करी है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। बस ठीक है, बात खत्म होगी, दफन करो। हाँ तो दफन होगी, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? गेमिंग वीडियो 9 बजे बनाना है, 9 बजे के बाद बनाना शुरू करनी है। मेरा कोई टाइम नहीं होगा, मैं कभी लेट हो जाऊंगा कभी मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी आ जाओगे यार, ये बात तुम ना मेरे साथ करो। एक टाइम होता है, समझ आई? उसी टाइम पे तुम आओगे। 8 बजे तक आ जाऊंगा। 8 बजे तक आओगे? क्यों क्यों सुल्तान? घर से खाना खाना भी होता है। घर से खाना खाना होता तो तुम्हें 8 बजे तुम कह रहे हो वीडियो? अच्छा गेमिंग वीडियो के लिए मैं क्या है 9 बजे तक आऊंगा। अच्छा ना तुम आओ ही ना, आओ ही ना, वही रहना, वही रहना। ओके इकट्ठी बना लेंगे, उसके साथ ही बना। अबे पागल है वो, तुम कह रहे हो मैं 8 बजे 9 बजे आऊंगा? क्यों वजह? ऑफिस में यार वजह दो ना, कोई वजह दो, वजह दो। अपने अब्बा तेरे की वो टाइमिंग है? नहीं अब्बा किसी को नहीं कुछ सिखाते, समझ आई? अब्बा की है टाइमिंग, उनकी उम्र हो गई है, टाइमिंग है। जब नहीं थी ना तब भी नहीं करते थे वो ऐसे काम, जब उम्र थी तब भी नहीं करते थे। उस टाइम ये था कि लड़कियों का इतना रुझान नहीं था काम की तरफ। तो तुम कह रहे हो मैं लेट आऊंगा, अभी तुम क्या कर रहे हो? मैं लेट नहीं आऊंगा, मेरी जब से शाम की ड्यूटी हुई है मैं एक दिन भी जल्दी आया हूँ। कोई छुट्टी का प्रॉपर टाइम नहीं होता? छुट्टी का प्रॉपर टाइम होता है पहले 6 बजे, तुम अब 8 पे आ गए हो, फिर तुम 9 पे चले जाओगे, फिर तुम रात वहीं रह लेना, ठीक है? अपने ऑफिस में घर रह लूंगा, अपने घर रहो तुम्हारा। मेरी ऑफिस दूसरी जगह होती जहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हो। अच्छा
हाँ जी और कुछ नहीं बस तुम 8 बजे आओगे तुझे इस पर भी मसला काम खत्म हो जाएगा आ जाऊंगा जल्दी खत्म होगा जल्दी आ जाऊंगा 8 बजे का ना कहो मैंने तुझे ये कहा है मैक्सिमम काम जल्दी खत्म नहीं होगा अब पहले तो होता था अब अचानक खत्म हो गया पहले सुबह की ड्यूटी थी तेरे सामने सुबह की थी जब शाम की थी तब भी प्रॉपर टाइम पर आ जाते थे झूठा बोलो मेरे साथ अगर काम आया हुआ ठीक है गवर्नमेंट जॉब में ना मुझे पापा ने बताया था 2 बजे औरतों को छुट्टी हो जाती है मैंने देख ले अल्लाह माफ करे कोई ऐसी बात नहीं की मैंने सिर्फ तो ये कहा है कि काम सिखाना होता है काम सिखाने से थोड़े दिनों में ट्रेन हो जाएगी फिर उसके बाद वो काम करती रहेगी बल्कि मुझे तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी थोड़े अरसे बाद जब तक वो ड्यूटी पर है ना तो सुन जब वो काम सीख जाएगी ठीक है थोड़े दिनों बाद यानी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर उसके बाद वो वहां पर हुआ भी करेगी मैं नहीं भी जाऊंगा तो वो कवर कर लिया करेगी ये बात है इसलिए अभी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ रही है उसको काम सिखाना पड़ रहा है अखरोट ही लिया चुपड़े ना ले आऊं तुम्हारे लिए अखरोट की जगह ये खराब है खराब नजर आ रही है पता नहीं किसका पड़ा हुआ वैसे ही रखो नहीं लाइट गई थी नहीं पता लगा होगा चलो ठीक है अरे हर चीज ना मेरी बात सुन मैं सिर्फ प्रैंक में तेरे से वीडियो में ऐसे करता हूँ रियल लाइफ में अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसका गलत मतलब नहीं होता गलत मतलब ही था समझ आई किस तरह का गलत तुम कह रहे हो 8 बजे तक शायद मैं ना हूँ तो ये तो वो तो ये भी तो देख आगे सुकून कितना हो जाएगा क्या सुकून हो जाएगा तुम्हें उसने हफ्ते डेढ़ हफ्ते काम सीख लिया तुम्हारा कैसे काम हो सकता है किसी को कुछ सिखाने का है ही नहीं जब ऐसा कुछ और भाई इंटर्नशिप पे जो बच्चे आते हैं ना सीखने नहीं आते औरतें 2 बजे का टाइम नहीं उनका होता औरतें नहीं लड़कियां लड़कियां वही 2 बजे चली जाती है यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी जब सुबह का टाइम है ना पता नहीं उसकी बल्कि बाकी जितनी भी है वो तो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आती है इनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती ना पता है मुझे इसलिए ये सिर्फ आती है इनको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है कितना हो गया इसके अंदर चला वो नहीं जी पागल काम की उससे है बस उसके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता वही तो भी कह रहा हूँ हाँ। तू बिला वजह तूने चपेड़े मारी हैं तू सॉरी कर शट अप सॉरी कर ले क्यों करूँ सॉरी कर ले क्यों करूँ सॉरी कर ले कर ले किस वजह से करूँ कर ले आखिरी दफा कह रहा हूँ सॉरी कर ले वरना वरना गलत बात हो जाएगी ना हो जाएगा गलत बात कुछ भी नहीं कहा मैंने तो नॉर्मल बात की थी मुझे कहा कि ये नहीं सिखा पाएगा उसे काम पहले उसका था सुबह में आने का जिस तरह बाकी आ रहे हैं ठीक है देख उसकी ड्यूटी उसका मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी का कोई चक्कर चुक्कर चल रहा है यूनिवर्सिटी से वो आती 2 बजे तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना शाम की ड्यूटी करा लो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है बस तो कर लो मेहनत सारी जिंदगी दुआएं देगी वो काम सीख देगा क्या होता है ये ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ के आए होते हैं ना क्या बोलते हैं उसे बीबीए अलग अलग साहब होता है अगर कोई यूनिवर्सिटी से जिसने इंजीनियरिंग की उसका भी वही है कि इंटर्नशिप भी जाती जाती है चलो फिर वो कैमरा बंद मैसेज ही आवे नेटवर्क में कैमरा बंद नहीं हुआ बाबू को बुलाओ कैमरा बंद नहीं हुआ सीरियस हो तुम मजाक कर रहे हो अल्लाह की कसम ओवर एक्टिंग कर रहे हो यार मैंने तो वैसे ही मैंने क्या अल्लाह की कसम तुम्हारे दिन में बात कैसी आई मैं कहा बात 2 दिनों से मैं लेट आ रहा हूँ शाम की ड्यूटी लगी हुई है तो कह झूठ बोल रहा तुमने कसम से मैं अपनी मानूंगी अल्लाह की कसम मैं नहीं मानूंगी अल्लाह की कसम तुम पहले वीडियो बना के वीडियो कॉल करोगे अल्लाह पाक की कसम फिर भी तुम मुझे वीडियो कॉल करोगे दो मैं ठीक है कह रहा हूँ अल्लाह पाक की कसम झूठ बोल रहे हो हां मैं मजाक कर रहा था मछली मछली वाला सब झूठ था वो अपने पास ही कर रहा था मैं तो लड़वा रहा था तुमने कहा मैं सिखाता हूँ झूठ बोल रहे थे चल सॉरी बोल क्यों बोलूं सॉरी प्रैंक उस पे बोलना चाहिए अच्छा देखो प्रैंक उस पे करना था उस पे भी हो गया और इस पे भी हो गया बहन भाई दोनों को रगड़ा मिल गया एक तीर से दो शिकार किया आज आपने बहन भाई दोनों को रगड़ा मिल गया हैवी हैवी खिलाड़ी बन गया ओए इतनी सी बात पे इतनी सी बात है तोर कितनी सी थी अल्लाह हाफिज़ कर एक सेकंड होगा दोनों बहन भाई जरा मासूम सी शक्ल दिखा दो साथ साथ बैठ के अच्छा मरिए तू सब छोड़ते मैंने इसको इग्नोर किया तूने भी किया इसने तो मुंह नहीं लगाया इसने मेरे कितनी देर हाथ पकड़ के रखे हैं मुंह नहीं गए यूं सुन जनिन मुंह नहीं लगाया ओए होए 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 इसने मेरे कितनी देर ओए होए 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 ओए ओए ओए
भाई आपने आपने बताना है कि अब्दुल रहमान ने इसको मुंह क्यों नहीं लगाया। नहीं आप ये देखना वीडियो देख लेना। हाँ वीडियो के और वीडियो के बुलाता था तो मुझे कहता था बता दो वीडियो कैसे भी बहन भाइयों का रिश्ता कुछ और होता है उसके साथ उसकी एक अलग से टेंशन। सुल्तान भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरा तो नॉर्मल होगा, मैं अक्सर ही नहीं बुला रही होती लड़ाई में। मेरे जरा उसके मामला जरा गहरे हैं। तो वो उसने पहली दफा किया, मैंने बहुत काम भी लाता है मेरा लव है। वो जब लाता है वो चीज लाके दे देता है लेस चॉकलेट और जूस के मांजे तो मांजा। और मैं जो उसके साथ हर तरह के काम में पक्का उसका। ये मेरे क्राइम पार्टनर है, बल्कि मैं इनका क्राइम पार्टनर हूँ। ये करते हैं मैं पार्टनर, यानी कि इसमें कुछ भी करना है तो मेरे लव में लाके करना है। कुछ भी याद रखना, हर तरह का काम एक बार याद रखना। किसी बंदे ने संभालना भी तो है ना, बैकअप पे कोई बंदा होना चाहिए। तो ये सब दुनिया में कभी किसी पे भी अंधाधुंध नहीं करते। नहीं मुझे सुल्तान भी पहनता है, गलत है। क्या पता तेरी पीछे से यही जड़े काट रहा हो? नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अब दूसरे की जड़े काट के क्या करना? क्या आगे जाके कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं देख मेरी बात सुन, दुनिया में कभी भी किसी में आज तक मैंने कभी आपकी किसी दोस्त के ऊपर बुरी नजर डाली या कोई गलत मशवरा दिया आपको? नहीं थी ना? मेरी दोस्ती नहीं है। हाँ अल्लाह हाफिज। यानी कि लोग मैं तो कुछ करता ही नहीं, क्या मासूम हूँ मैं। तुम डालो, तुम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी पे भी कोई डालेगा? हाँ मैं नहीं, मैं करता ही नहीं ऐसे भाई। और बस सर मेरी दोस्ती है भाई, मैं करता नहीं। बात क्लियर कर दूं, हम यूं कहेंगे बताइए कौन सी दोस्त है। मतलब वो मिसाल दे रहे थे कि आप दोस्त पे कोई बुरी नजर नहीं। दोनों बहन भाइयों को रगड़ा मिलने के बाद अल्लाह हाफिज। ये देख लो आप गद्दारी कर।